हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ पद्मावती के ट्रेलर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीजों के बारे में। प्रॉपर चीजें आपको बताऊंगा और आपको अगर ये मैं ये कहूँ कि पद्मावती के ट्रेलर ने गोलमाल फोके ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जरूर आप कहेंगे यार ये तो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मैं आपको फैक्चुअल डेटा बताता हूँ कि पद्मावती ने किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ा है गोलमाल अगेन के ट्रेलर का। 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी किसी हिंदी फिल्म का ट्रेलर की अगर बात करें तो पद्मावती है, दूसरे नंबर पे है गोलमाल फोर। चलिए देखते हैं कितना, देखते नहीं मतलब बताता हूं मैं कितना व्यूज है उस हिसाब से। अगर हम ध्यान दें पद्मावती का ट्रेलर का जो व्यूज आया है वो 15.30 मिलियन आई, यानी कि 1,50,00,000 के ऊपर व्यूज चले गए हैं। वही अगर हम बात करें गोलमाल अगेन के ट्रेलर के तो उसका प्रॉपर 15.5 करोड़ तक का व्यूज गया है, यानी कि करीबन करीबन अगर हम देखें दोनों के उसमें व्यूज में डिफरेंस तो पद्मावती का व्यूज थोड़ा सा ही ज्यादा है, यानी कि करीबन करीबन 3,00,000 व्यूज ज्यादा है गोलमाल फोके ट्रेलर से। और 24 घंटे के हिसाब से पद्मावती का ट्रेलर सिर्फ करीबन करीबन 30,00,000 व्यूज से आगे चल रहा है मेरे हिसाब से, और गोलमाल अगेन का ट्रेलर उससे पीछे चल रहा है। तो ये व्यूज काउंट है। अगर आप सोचेंगे यार रईस का ट्रेलर है सबसे ज्यादा व्यूज थे 24 घंटे में, तो आपको बता दो रईस का ट्रेलर इस मामले में चौथे स्थान पे है 11.96 मिलियन व्यूज के साथ, यानी कि 1.1 करोड़, और राबता का 12.4 मिलियन यानी कि 1,20,00,000, और पांचवें नंबर पे आई थिंक पांचवें नंबर पे बाहुबली का है, बाहुबली का 11.13 मिलियन हिंदी वर्जन की मैं बात करूं, बाहुबली के हिंदी वर्जन का जो व्यूज था 1,10,00,000 के करीबन करीबन। तो ये व्यूज काउंट थे और 24 घंटे के अभी तक के सबसे हाईएस्ट व्यू काउंट के हिसाब से पद्मावती ने बाजी मार ली है और बीट कर दिया गोलमाल अगेन और बाकी सभी ट्रेलर को। ये खबर कैसी लगी जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।